अस्सलाम वालेकुम। जो इत माय फूड चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमारा, आज मैं आप लोगों को कच्चे केले आलू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी बनाने में जितना आसान है, खाने में इतना ही टेस्टी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 3 अदद कच्चे केले लिए हैं, जिसको मैंने गोल गोल साइज़ में काट लिया है। 7 से 8 पीस मैंने आलू लिया है। आलू हमारे छोटे साइज़ का है, इसलिए मैंने 20 से 2 टुकड़ा कर लिया है। आपके पास आलू अगर बड़े साइज़ का हो तो आप अपने हिसाब से काट ले। एक प्याले में पेस्ट रखा हुआ है, उसे मैंने पहले से ग्राइंड करके रख लिया है। इस पेस्ट को तैयार करने के लिए मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 2 टमाटर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। एक कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें कच्चे केले को फ्राई कर लूँगी। अगर हम कच्चे केले को बगैर फ्राई किए पका देंगे तो इसका शोरबा फट जाएगा, इसलिए कच्चे केले का सालन जब भी बनाएं इसे फ्राई करके ही बनाएं। इसके बाद आलू को भी फ्राई कर लूँगी। देखिए सब्ज़ी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसी पेस्ट में मैं 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल दूँगी। अब मैं तेल में ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा जब चटक जाएगी मैं सारे मसाले डाल दूँगी। इसी प्याले से थोड़ा पानी डाल दूँगी। दो चम्मच नमक डालकर अच्छे से मसाले को भून लूँगी। मसाला हमारा भून चुका है, अब मैं सब्ज़ी डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी डाल दूँगी। कसूरी मेथी डालने से खुशबू अच्छी आती है। अब मैं इसे ढककर थोड़ा भून लूँगी। सब्ज़ी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब मैं 1/2 जग पानी डालकर ढक दूंगी और फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए गलने दूंगी। देखिए आलू हमारा अच्छे से गल चुका है। अब मैं आपको कच्चा केला भी उठाकर दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से गल चुका है। लीजिए, कच्चे केले और आलू की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगेगी। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।